नमस्ते एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल आज हम बनाएंगे छठ पूजा के लिए प्रसाद इसको जो प्रसाद होता है इसको ठेकवा बोलते हैं और ये गेहूं से बनता है और इसको बनाने का जो तरीका होता है सबका डिफरेंट होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक परात उसमें मैंने यहाँ पे एक कप गेहूं का आटा लिया है गेहूं का आटा लेने के साथ में अब इसमें डालेंगे हम नारियल का बुरादा या फिर जो आ, सूखा नारियल होता है उसको भी घिस के आप इसमें डाल सकते हैं यहाँ पे मैंने वन फोर्थ कप नारियल डेसिंग जो कोकोनट रहता है वो लिया है और अब डालेंगे इसमें हम चीनी जो चीनी है अगर वो छोटी वाली लेंगे और साबुत डालेंगे तो उसका टेस्ट अलग होता है आप चाहें तो पीसी चीनी भी यूज कर सकते हैं चीनी यहाँ पे मैंने हाफ़ कप डाला है और आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं अब साथ में डालेंगे हम मीठी सौंफ मीठी सौंफ का एक बड़ा चम्मच डाला है इसके साथ में अगर आप चाहें तो इलायची जो पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं अब हम डालेंगे इसमें घी मोइन के लिए क्योंकि हमें इसको मोइन करना है यहाँ पे मैंने दो बड़े चम्मच देसी जो घी होता है वो डाले हैं और अब इनको अच्छे से मोइन करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो घी है वो आटे में अच्छे से मोइन हो जाए तो यहाँ पे आप एक मुट्ठी बना के देख लीजिए कि अगर आपकी ऐसी मुट्ठी बनती है तो इसका मतलब कि हमारा जो आटा है वो रेडी है डो बनाने के लिए तो अब इसमें डालेंगे हम पानी कई लोग क्या होता है इसमें गुड़ का भी यूज़ करते हैं तो गुड़ पहले से ही मेल्ट करके रख लें अगर तो हम चीनी की जगह गुड़ का भी यूज कर सकते हैं और पानी उसी गुड़ वाले पानी से हम आटे का डो बनाते हैं तो यहाँ पे मैंने प्लेन पानी लिया है और अब इसको अच्छे से डो बना लेंगे इसका जो आटा हम लगाते हैं वो ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं होता है थोड़ा सा हार्ड होता है पूरी से थोड़ा सा और हार्ड होता है जैसे हम मटरी वग़ैरह बनाते हैं तो अब हमने ये डो बना लिया है और अब हम इसको पंद्रह मिनट के रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि जो चीनी है वो थोड़ी सी आटे के साथ भी अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहाँ पर हमने पंद्रह मिनट के रेस्ट के बाद अब इसकी बॉल्स ले लेनी है और इसको बेल लेना है जो जब हम इसको बेलेंगे तो ये आधे इंच से ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए आधा इंच तक का ही हमें ध्यान रखना है तो यहाँ पे मैंने एक एक करके आ, कर लिया है और इस तरीके से एक गिलास लेंगे और बिल्कुल शेप का गोल शेप का इसको कट कर लेंगे अगर आपके पास कटर है तो आप कटर उसका भी यूज़ कर सकते हैं मेरे पास इसकी शेप्स बनाने के लिए कुछ नहीं है बट ट्रेडिशनली जो बिहार में होता है उनके पास सांचे होते हैं जिससे वो बहुत ही सुंदर सुंदर जो डिज़ाइंस होते हैं वो डालते हैं तो यहाँ पे हम बिना सांचे के जो शेप्स है वो उभार रहे हैं तो ये देखिए इस तरीके से नाइफ़ से आप स्टार या ऐसे फ्लावर शेप दे सकते हैं और हमारा जो इसकी थिकनेस होनी चाहिए वो भी हाफ इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो हमारा एक ठेकुआ रेडी हो गया है फ्राई करने के लिए इसी तरीके से हमने बाक़ी बना लेने हैं और एक लीव शेप पे बना के दिखा रही हूँ मैं आपको ताकि आप को जो भी शेप पसंद हो आप बना सकें एक ऐसे जो टूथपिक है वो लेनी है और इस तरीके से हमने इसके लीव्स शेप्स में दोनों साइड से इस तरीके से कट करके बना लेने हैं तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल जो लीव शेप है वो बन के रेडी हो गई है ये देखिए बिल्कुल ही अच्छे से रेडी हो गई है तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो ठेकुए हैं वो रेडी कर लिए हैं दो टाइप के एक तो फ्लावर का और दूसरा लीफ का तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने जो तेल है वो गरम कर लिया है जो ऑयल होना चाहिए वो ज़्यादा हीट पे नहीं होना चाहिए मीडियम आज पर रहना चाहिए ताकि जो ठेकुआ है हमारा वो अच्छे से फ्राई हो सके तो यहाँ पे जैसे ही बबल सेटल हो जाएंगे तो हमने इस तरीके से फोक की हेल्प से उसको पलट देना है तो यहाँ पे अलटते पलटते अच्छे से इनको पका लेना है अगर आपको लगे कि चीनी की वजह से जो ठेकुआ है थोड़ा सा सॉफ़्ट हो रहा है तो टेंशन की बात नहीं है आप थोड़ी देर में जो चीनी होती है वो सेट हो जाती है और जो हमारे जो ठेकुए हैं वो थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो एक स्लॉट है वो बन के रेडी हो गया है और इसी तरह का से हमने बाकी के बाकी सारे जो हैं फ्राई कर लेने हैं आप देख सकते हैं कि हमारे जो शेप्स हैं वो बहुत ही सुंदर बन के रेडी हो गई हैं और वैसे ही ये इतना ही क्रिस्पी भी रहता है तो हमारा जो ठेकुए हैं सारे वो बन के रेडी हो गए हैं आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप चाहें तो नॉर्मल डेज़ में भी आप इसको बना के बच्चों के टिफिन के लिए दे सकते हैं बहुत ही टेस्टी होते हैं या टी टाइम के लिए भी आप उसको बना सकते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी कैसी बनी एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ में तब तक के लिए हैप्पी छठ एंड बाय